नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मचा है पिछले दो दिन से घमासान। दरअसल ये मामला है मुमरा कलवा से सटे ग्रामीण इलाके की। 5 साल का कार्यकाल रहा विधायक सुभाष भोयर का, लेकिन शिवसेना बीजेपी की युति होने की वजह से पार्टी के आला नेताओं ने फैसला किया था इस बार ग्रामीण से विधायक के चुनाव नगर सेवक रमेश महात्रे लड़ेंगे और सुभाष भोयर मुमरा कलवा से विधायक की चुनाव लड़ेंगे। अब ग्रामीण से सुभाष भोयर को चुनाव लड़ने के बजाय अब वहां से महात्रे चुनाव लड़ेंगे। एक बात और हम आपको बता दें, सुभाष भोयर को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया है। सुभाष भोयर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और रमेश महात्रे जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप। महात्रे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुभाष भोयर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुभाष भोयर मुर्दाबाद। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह से नामांकन के लिए श्रीकांत शिंदे लोगों को लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं बल्कि रमेश महात्रे का नामांकन यानी फॉर्म भी भर दिया है। लेकिन सुभाष भोयर ने ऐसा नहीं किया और वो अपने लोगों को लेकर ग्रामीण से फॉर्म भर दिया, जिसको लेकर शहर में तो काफ़ी चर्चा का विषय तो रहा ही है, लेकिन नेताओं में खलबली मच गई है। यही नहीं, शहर में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी, लेकिन कुछ चेहरे आखिरकार साफ साफ दिखाई ही दे दिया। ग्रामीण से सुभाष भोयर सिटिंग MLA थे और वहीं से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के आला नेताओं को नागवार गुजरा। रमेश महात्रे को आज कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे ने उनकी ग्रामीण से आज नामांकन किया है। उनके साथ तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, यानी सुभाष भोयर कलवा मुमरा से अगर चुनाव लड़ते तो शायद पार्टी में टिके रहते, लेकिन एक तरफ सुभाष भोयर की विरोध शिवसेना के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ रमेश महात्रे का भी फॉर्म भर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मोड़ ले लिया है और राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। अब सवाल यहाँ भी खड़ा हो रहा है, अगर शिवसेना कलवा मुमरा विधानसभा से कैंडिडेट खड़ी नहीं करेगी, जितेंद्र आवाड का रास्ता साफ है, कई लाखों से विन हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी खबर को जानने के लिए हमने सुभाष भोयर से फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, मगर कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। किस वजह से सुभाष भोयर का फॉर्म पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वजह रही है सुभाष भोयर मुमरा कलवा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, ग्रामीण से ही लड़ने की मन बनाया था, ये तो वही बता सकते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।